कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मर्द का बच्चा होगा तो यहीं पर रुक, मैं तेरी बोटी बोटी करके कुत्तों को फेंक दूंगा। ये गाड़ी क्या तेरे बाप की गाड़ी है? ये हमारे पापा जी की गाड़ी है, हमारी फैमिली की गाड़ी है, तेरे जैसे कॉकरोच की नहीं, समझा? अब मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। चटनी मसूद जी, कॉकरोच कमिटिंग सुसाइड। वाह वाह मेरे धर्मेंद्र, वाह, तूने तो कमाल कर दिया। तेरा ये रूप मैं पहली बार देख रहा हूँ, तू तो बड़ी अच्छी मिमिक्री करता है। दोहलती इंसान पापा जी की, बस यूं ही वो। शर्मा नहीं, एक्टर शर्माते नहीं, बड़े बेशर्म होते हैं। कभी तो वो कभी भी किसी तरह रोल भी कर लेते हैं, कभी पेट पर चढ़ कहते हैं, कभी कपड़े उतार देते हैं, और एक फिल्म में तो एक हीरो पाता भी है। क्या पापा जी, तेरी कसम मैं सच बोल रहा हूँ, और देख लेना इस साल का बेस्ट कॉमेडी अवार्ड भी वही ले जाएगा। बट द होल थिंग इज दैट पापा जी, अवार्ड्स तो पिछले हफ्ते ही हो जाएंगे ना? तो क्या होगा, अगले हफ्ते फिर कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी अवार्ड देने की। आजकल अवार्ड देने का तो रिवाज सा पड़ गया है, कोई भी उठता है अवार्ड देने शुरू कर देता है। 10-12 कलाकार इकट्ठे किए, स्टेज पर गाने नाच हुए और दे दिए अवार्ड। मैं पूछता हूँ, ये अवार्ड देने डिसाइड कौन करता है? पब्लिक, ये पब्लिक डिसाइड करेंगे पापा जी। पब्लिक ही वोट करेंगे कि कौन होएंगे बेस्ट एक्टर, कौन होएंगे बेस्ट एक्ट्रेस। नहीं नहीं, पब्लिक डिसाइड नहीं करती। पब्लिक डिसाइड करती होती तो एक ही साल में अलग अलग एक्टरों को अवार्ड नहीं मिलते। मतलब एक फंक्शन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है सलमान खान को, और दूसरी फंक्शन में मिलता है शाहरुख खान को। तुझे गलत नहीं लगता? बात तो सही होगी पापा जी। अच्छा पापा जी, अगर आप जज होइंग तो आप किसे अवार्ड दें? मैं जज होइंग, मैं अवार्ड दूंगा अपने आप को। अपने आप को बंटवाए क्यों पापा जी? क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, हम भी अवार्ड नाइट फंक्शन रखेंगे अपने ही घर में। कोई होगा बेस्ट एक्टर, कोई होगी बेस्ट एक्ट्रेस, सबको अवार्ड मिलेगा, और अवार्ड का नाम होगा धनोवा फैमिली अवार्ड। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, धनोवा अवार्ड्स नाइट। यस, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। कल शाम 8:30 बजे सब लोग पहुंच जाना, यू आर ऑल इनवाइटेड। पापा जी, हमें इनविटेशन की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन रिया और कुणाल को इनवाइट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मां, अब वो लोग भी तो इसी फैमिली का हिस्सा है। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, नहीं नहीं, तेरी फूफी को कुछ नहीं मिल सकता, हमने खलनायिका का अवार्ड तो रखा ही नहीं। हाय हाय पापा जी, हम तो ये कह रहे थे कि हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि अवार्ड तो एक तरह की प्रशंसा होते हैं जिससे कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है। हाँ शोभा, हर बंदा चाहता है कि उसके काम को यश मिले, उसकी तारीफ हो, उसकी कदर हो। तभी तो मैंने सबके लिए उनकी काबिलियत के हिसाब से अवार्ड देने के लिए सोचा है, जिन सबकी वजह से हमारी फैमिली बनती है पूरी फैमिली। पूरी? लेकिन हम लोग तो धनोवा फैमिली है ना पापा जी। इडियट, पूरी फैमिली का मतलब होता है अ कंप्लीट फैमिली, क्योंकि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और पता है पापा जी, ये हफ्ता इंटरनेशनल फैमिली वीक है। अच्छा, ये तो और भी खुशी की बात है। कितनी खुश लग रही है तू। ये तो यहाँ आने के नाम से ही खुश हो जाती है। पापा जी, पापा जी, माँ कह रही थी कि आप हमें कोई अवार्ड देने वाले हैं। तेरी माँ ने तुझे ये नहीं बताया कि आज वो गाना गाने वाली है? पापा जी, मुझे गाना वाला नहीं आता। तो ठीक है, नाच लेना, हमें कोई इतराज नहीं, हमने तो अपना प्रोग्राम हिट करना है। डोंट वरी, मैं हूँ ना। हाँ, इसीलिए तो वरीड है वो। पापा जी, आप सिर्फ प्रोग्राम शुरू कीजिए, फिर देखिए ऋषि कपूर और नीतू सिंह क्या आइटम पेश करते हैं। हाय राम, तू क्या ऋषि और नीतू भी आ रहे हैं? भी डैड अपनी और माँ की बात कर रहे हैं। मुझे डैड ने बताया कि उनके सारे फ्रेंड्स उन्हें ऋषि नीतू कहा करते थे उनकी जवानी में। चुप कर मर जाने, जब तक मैं बैठी हूँ तब तक मेरा बेटा बहू बूढ़े नहीं हो सकते। बूढ़ी तो तू भी नहीं हुई अभी तक, और ना ही मैं, फिर भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। खड़ी मत रह, बैठ जा, सब अपनी अपनी सीट ले लें। शो इज गोइंग टू बिगिन। सबसे पहले हमारे सामने आएंगे सूरज और नम्रता, ताकि बोरे प्रोग्राम पहले ही हो जाए। पापा जी, नहीं नहीं, मैं सूरज के बारे में कह रहा था। राजू स्टार्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री DSD को कि वो स्टेज पर आए और आज की नाइट का पहला अवार्ड अनाउंस करें। द होल थिंग इज दैट पापा जी, ये DSD कौन हुई? देवेंद्र सिंह धनोआ। द वन एंड ओनली। आज का पहला अवार्ड जाता है द बेस्ट न्यू कमर ऑफ द ईयर। न्यू कमर मींस कि हमारे होने वाले बच्चे का अवार्ड मिली? ओए, जो पिक्चर रिलीज नहीं हुई उसे अवार्ड नहीं मिलता। ये न्यू कमर तो वो है, वो धनोआ तो नहीं है लेकिन बिहेव बिल्कुल धनोआ की तरह करता है। वो देख कैसे बिस्कुट खिला रहा है अपने साले को, और थोड़ी देर पहले उसी हाथ की उंगलियों से अपने नाक में कुछ ढूंढ रहा था। और वो है
श्री कुणाल। ठीक है, ये रहा तेरा अवार्ड। ये किताब? हाँ, हम ऐसे अवार्ड देते हैं जो काम में आए। तुझे खाना बनाने का शौक है ना, मैंने इस किताब में तेरी बीजी के खानों की रेसिपी लिखी है ताकि तू भी उतने ही स्वादिष्ट खाने बनाए जितने तेरी बीजी बनाती है और हमारी रिया को खिलाए। थैंक यू दोस्तों। नो 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 भाषण, बैठिए प्लीज। वाह पापा जी, जस्ट बिकॉज़ ये आपके दामाद हैं ने सबसे पहला अवार्ड दे दिया, दैट्स नॉट फेयर। चुपचाप बैठी रहो, हमारी फंक्शन में क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं। अब बीएसडी दूसरा अवार्ड अनाउंस करते हैं, द बेस्ट स्माइल ऑफ द मिलेनियम। ए मिलेनियम की होता है पीजी? इसका मतलब है इस सहस्त्र की सर्वश्रेष्ठ मुस्कान। अच्छा। और ये अवार्ड जाता है रिया को। ये ले, ससुराल में तुझे इतना प्यार मिले कि हमें याद करने के लिए तुझे ये तस्वीर देखनी पड़े। अगला अवार्ड अनाउंस करने से पहले स्टेज पर आ रहे हैं मनोरंजन के बादशाह, आपके अपने पापा जी। उनकी आइटम का नाम है बचपन। मतलब एक्टिंग करनी नहीं पड़ेगी। मम्मी यू आर वेरी नॉटी। इस आइटम के बाद अब बारी है उस अवार्ड की जो मिलेगा नीरज को, द बेस्ट चाइल्ड एक्टर ऑफ द ईयर। पापा जी मैं बच्चा नहीं हूं। पुत्र तू इस घर में सबसे छोटा है, इसलिए हमारे लिए बच्चा ही रहेगा। ये ले अपना अवार्ड ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा बन जाए। पापा जी इस किताब से मैं क्या पढ़ाई करूंगा? पहले किताब तो खोल। ओके। वाओ माय फेवरेट परफ्यूम। हाँ, इसे लगाने से किसी को ये पता नहीं चलेगा कि तू आज फिर नहीं नहाया। बड़ी मस्ती करता है ऋतु, मेरी सोना 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 सोना। ये तो क्या बोल रही है पापा जी को? नहीं नहीं, हम तो हमारे आइटम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब है तुम श्रीदेवी की नकल करने वाली हो? हाँ, और दो भी हैं, हेमा मालिनी और पूजा भट्ट, इसलिए हमारे आइटम का नाम है तीन फुफिया। तो फिर यहाँ आना स्टेज पर। तुसी हटोगे ता तो उसे जगह मिलेगी। हाँ हाँ हट गया। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, किसी की नकल करना मतलब किसी की तारीफ करना। हर लड़की चाहती है कि वो हीरोइन बने, इसलिए तो हम हर हीरोइन की नकल करते हैं, वरना हम पापा जी की नकल नहीं उतारते। तो सबसे पहले हेमा मालिनी। यूं कि हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, लोग अपने दुश्मन को ऐसी जगह ले जाकर मारते हैं जहाँ पानी नसीब नहीं होता, लेकिन मैं तुझे ऐसी जगह ले जाकर मारूंगी जहाँ पानी ही पानी होगा। मैं तुझे पानी पिला पिला के मारूंगी। अब श्रीदेवी श्रीदेवी। हाँ, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, लोग अपने दुश्मन को ऐसी जगह ले जाकर मारते हैं जहाँ पानी नसीब नहीं होता, लेकिन मैं तुझे ऐसी जगह ले जाकर मारूंगी जहाँ पानी ही पानी होगा। मैं तुझे पानी पिला पिला के मारूंगी। शोभा शोभा पूजा भट्ट। लोग अपने दुश्मन को ऐसी जगह ले जाकर मारते हैं जहाँ पानी नसीब नहीं होता, लेकिन मैं तुझे ऐसी जगह ले जाकर मारूंगी जहाँ पानी ही पानी होगा। मैं तुझे पानी पिला पिला के मारूंगी। तो लीजिए एक बार फिर आपके सामने है आपका चहेता धर्मेंद्र सिंह धनोआ। मतलब आप एक और आइटम पेश करने वाले हैं? करूं? नहीं नहीं पापा जी, आप अगला अवार्ड अनाउंस कीजिए। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का, और मिल रहा है उसे जिसके स्पोर्ट्स के बिना हम हिल ही नहीं सकते, जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है, और वो है हमारा अपना राजू। पापा जी जीता रहे, ये है तेरा अवार्ड, 12 लंगोट। तो तेरे होने वाले बच्चे के लिए मैंने हर लंगोट पर अपना नाम लिख दिया है, जब वो टट्टी पेशाब करे लंगोट बदलते रहना। तुझे लंगोट बदलना आता है? द होल थिंग इज दैट पापा जी, हम अभी सीखेंगे, अभी से प्रैक्टिस करें। किस पे? नीरज? नहीं नहीं, मैं मामा को प्रैक्टिस नहीं करने दूंगा लंगोट बांधने की। नहीं नहीं, अगली आइटम तेरी है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं अनाउंस कर रहा हूं हमारी फंक्शन का अगला अवार्ड। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। क्या कहने सीखा हमने उनकी कहावतों से। यही नहीं, घर का चूल्हा चौंका, मेरे परौंठे, सब में सपोर्ट रहा उसका। इसलिए द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड गोइंग टू शोभा। मैं बोल रहा हूं ना, सॉरी बाबा जी, थोड़ा एक्साइटमेंट हुई। पता नहीं हमारा गोबर गणेश कैसे रह पाएगा हमरे बिन। तो कह देना अपनी फूफी से कि तू उनके यहाँ नहीं जा सकती अपनी डिलीवरी के लिए। नहीं नहीं बीबी जी, हमारा पहला बच्चा उन्हीं के यहाँ पैदा हो, ऐसी जिद पकड़ी है उन्होंने। तो ये मान भी उनका ही है, वो तेरी फूफी ही नहीं माँ भी है। इसलिए तेरा वार्ड है हवाई जहाज की टिकट। तेरी फूफी के जहाँ एयरपोर्ट तो है नहीं, लेकिन पास वाले शहर में तो है, वहां से तेरी फूफी तुझे आके ले जाएगी। ये ले। वेरी गुड, वेरी गुड। प्यार क्या कुछ नहीं छिपा ढाई अक्षों में। हमारे घर में प्यार का एक और नाम है, और वो है नम्रता। बिल्कुल अपने नाम जैसी। मेरी बहू, मेरी बेटी, घर की लक्ष्मी, वो है तो ये घर है। इसलिए उसे अवार्ड मिलता है द बेस्ट हीरोइन ऑफ द ईयर। पहन के दिखाओ ना माँ। नहीं, मैं तो इसे पहनूंगी पापा जी के 100वें जन्मदिन पर। तब तक इसी तरह संभाल के रखना हम सबको। पापा जी, आपकी आंखों में आंसू? और चलिए, आंसू आंखों में नहीं होंगे तो क्या नाक में होंगे? तेरे पापा जी तो झट से रो पड़ते। वो केड़ी फिल्म सी जो हीरो टैंकी उत्ते चढ़ जाता है मरण वास्ते? शोले। हाँ वही, किन्ना रोए सी। उस सीन में रोने वाली कौन सी बात थी बीजी? क्या बात कर रहा है तू, मेरा फेवरेट हीरो धर्मेंद्र, उसकी जान खतरे में होगी तो रोना नहीं आएगा मुझे? द होल थिंग इज दैट पापा जी, कि आप सपोज करें शोले पिक्चर में धर्मेंद्र नॉट होइंग, मींस कि धर्म जी की जगह पर होइंग संजय दत्त, तो हम आपको बताएं कि टंकी पर चढ़ के संजय दत्त ये सीन कैसे करें। हाँ बता। देख लेना गांव वालों, जहां कोई प्रेमी जान देता है वहां पे ढेर सारी मुसीबतें आती है। कैसी मुसीबतें? अकाल, सूखा, हैजा, चेचक, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गांव वालों, व्हेन आई डाई पुलिस कमिंग एंड पुटिंग दिस बुढ़िया इन जेल में ये बुढ़िया चक्की पीसिंग। क्या अबू बाबा मैं जाऊं? वेरी गुड राजू, तुम तो बहुत अच्छे एक्टर हो। मुझसे भी अच्छा? नहीं, मुझसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए आपने बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने लिए बचा के रखा हुआ है। हीरो वो जो ये घर चलाता है, जो सबका बराबर ख्याल रखता है, जो किसी को किसी बात की कमी नहीं होने देता, जो अपनी जिम्मेदारी निभाने में जरा भी नहीं चूकता, जो इस घर का सब कुछ है, वो है इस साल का बेस्ट हीरो, हर साल की तरह। लेकिन वो मैं नहीं, वो है मेरा बेटा सूरज सिंह धनोआ। मेरी बहन बाबा जी, जीता रहे, ये है तेरा अवार्ड। पूरी नहीं खाना। क्यों? अब होगी डबल मिठास। तू ही तो हमारी जिंदगी की मिठास है पुत्र, और आप है हमारी जिंदगी की हंसी। आप हमें इतना हंसाते पापा जी, इतना हंसाते कि हम सब ने सोचा कि हम आपको देंगे अवार्ड बेस्ट कॉमेडियन का। यस, व्हाट डू यू मीन? मैं कॉमेडियन हूँ? मैं तो एक्टर हूँ, एक्टर। मुझसे गलती होगी। एक्चुअली मुझे वही कहना चाहिए था जो आजकल ऐसे अवार्ड देते वक्त कहते हैं, बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल। हाँ, ये हुई ना कोई बात, आर्टिस्ट की गोहर नहीं करनी चाहिए। ला दे मेरा अवार्ड और पकड़ अपना। वैसे इसकी शक्ल बिल्कुल मेरे ससुर से मिलती है ना किरण? मैं क्या जी? मैं सच कह रहा हूँ किरण, बच्चों ने तो कभी देखा ही नहीं अपने नाना को। तू जरा एक्टिंग करके बताना उनकी। वैसे भी अब तेरी बारी है। हाँ जी बीजी, आपको भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ जी बीजी, क्या करने वाली हैं आप? ये तो कोई भजन गाना शुरू कर देगी जो अवार्ड फंक्शन में अलाउड नहीं है। ले राजू, लगा दे इसे, और ले आओ किरण को यहाँ। आइए ना बीजी। कम बीजी, आओ आओ। तालियां तालियां। We won, we won, we won, we won. क्या हुआ? वो देखिए। डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया,
डाक लाया, डाकिया, डाक लाया। तूने तो हद कर दी, मेरी किरण बाला जैसा ना कोई था ना है ना होगा। सारी उम्र समेटती रही अपने आंचल में हम सबको, अपना वजूद भुलाकर जीती रही हम सबके लिए। इसलिए आज की शाम का सबसे अहम अवार्ड मिलता है मेरी किरण बाला को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।